दैनिक जागरण आईनेक्स की टीम इस समय चमोली के मसोली गांव में मौजूद है। यहां का एक बेटा उस टनल में फंसा हुआ है जो रैणी गांव में ग्लेशियर टूटने के बाद आपदा का शिकार हुआ। आज भी उसकी खैर खबर के लिए परिवार और उसके गांव वाले परेशान हैं। धोली गंगा में आई आपदा के शिकार हुए सत्य प्रकाश बर्तवाल का घर आज सूना पड़ा है। आज उनके घर में कोई नहीं है। यहाँ एक भाभी रह रही थी जो वहाँ उनकी पत्नी और माँ के पास उनको सहारा देने के लिए गई हैं कि कुछ तो कुशल खबर वहाँ जाके उन्हें मिल सके, कोई तो समाचार उन्हें पॉजिटिव मिल सके। यहाँ पूरे गांव में सन्नाटा है। गांव के कई लोग यहाँ से उनके लिए आज ही रवाना हुए हैं। 7 फरवरी को तपोवन में आई आपदा की सूचना के बाद से सब पूरा परिवार उनका भाई और माँ और भाभी समेत उस समय तपोवन के लिए रवाना हो गए थे। उसके बाद से 7 दिन 8 दिन बीत जाने के बाद भी जब अब तक कोई जानकारी न मिलने पर आज पूरा गांव दोबारा वहां के लिए रवाना हुआ है। उनकी खैर खबर के लिए परेशान है। इस तरह इस सूचना से कि कुछ तो अच्छी खबर मिले। आज उनके गांव में पूरा सन्नाटा है। देखें, हम आपको उनके गांव की ओर दिखाते हैं। पूरा गांव उनके लिए दुआएं कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है कि वह कुशल से घर पहुंचे। आज इस घर में ताले लगे हैं। ये घर सत्यपाल बर्थवाल का है। मसोली के रहने वाले सत्यपाल ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट में एक इलेक्ट्रिशियन का तौर पे तैनात थे। 7 दिन से उनका कोई पता ना होने के बाद आज पूरा परिवार उनकी तलाश के लिए हाँ जोशीमठ गया है, उनकी खैर खबर उनके परिवार से मुलाकात करने के लिए। यहाँ पे पूरे गांव वाले भी मौजूद हैं जो उनके दुख में शरीक होने के लिए आए हैं और परेशान हैं कि उनके कोई खबर मिली कि नहीं मिली। हम आपको बात कराते चलें, गांव की उनकी भाभी लगती हैं उनसे। बताइए, क्या लगते थे सत्यपाल जी आपके? हमारे देवर लगते थे और हमारा गांव वाले बहुत परेशान हो रखे। अच्छा, आज हमारे गांव के एक एक आदमी सब जोशीमठ टनल में वहाँ उनकी तलाश के लिए पहुँच गए हैं और सबको उम्मीद है कि क्या पता वो वहाँ से उनकी खबर सही सलामत निकले। हम सरकार से गुजारिश करते हैं कि क्या तो उनकी डेड बॉडी भी मिल जाए तो तब शांति हो जाएगी शरीर की और सुखी भी हो जाएंगे तो उनका परिवार को शांति मिलेगी। माँ भी उनका मकान ये है, उनका ये ताला लगा हुआ है, मकान भी वही, माँ भी वही जा रही उनकी। भाभी थी यहाँ घर में, भाभी भी आज चले गई। पूरा मकान खाली और का गांव वाले पूरे परेशान और हमारे गांव वालों को इतनी चिंता है, बहुत ज्यादा था। कितने भाई बहन है सत्या जी? 3 भाई हैं वो। अच्छा, 3 भाई हैं। भाई भी वहीं जा के उनका, एक भाई उनका देहरादून में रहता है। हाँ। और एक भाई यहाँ घर में रहते थे, वो वहीं जा के बहुत परेशान और के वो भी। अच्छा, बच्चे भी उनके, बच्चे इनके थे, छोटा बच्चा है एक सत्यपाल का, तो छोटा बच्चा है एक। कितने साल का? और उसका परिवार जोशीमठ में रहता था। कितने साल का बच्चा है? अभी 1-1.5 साल का है वो बच्चा। अच्छा, और मम्मी पापा? मम्मी उसके साथ रहती थी वहीं। अच्छा, हमें उसकी मम्मी की बहुत चिंता है। अच्छा, बहुत ज्यादा। और क्या कहते हैं उनकी जो भाभी वगैरह सभी उनके अभी सब वहीं जा रखे हैं? आज भाभी भी वहीं जा रखी। अच्छा, और गांव के एक एक आदमी सब वहीं जा रखे हैं। अच्छा, हमको उम्मीद है कि कहीं सही सलामत 10 दिन तक भी इंतजार में रहे कि 10 दिन तक भी क्या पता मिल जाए। भगवान से यही उम्मीद है, हमारे गांव वाले सभी देवी देवताओं से उम्मीद कर रहे हैं कि सत्यपाल सही सलामत बाहर निकल जाए। YouTube ऐप पर बेल आइकन दबाएं और iNext Live के कोई भी वीडियो मिस ना करें।